وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله فسلم عليك يا حبيب الله كان شعر نات شريف كي اس کے بعد ان شاء الله من خبر مختصر رحمت برس رہی मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में हर्ष में ताजगी है मोहम्मद के शहर में हर में ताजगी है मोहम्मद के शहर में आते हैं बश गुनाहों को गुनाहगार बदल रही है मोहम्मद के शहर में किस्मत की हर जगह हम मोहम्मद के शहर में आखिर ये मिल गई है मोहम्मद के शहर में ऐसा लगा के सामने मोहम्मद के शहर में एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में रोशन है जिसके नूर से दोनों जहा ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में हर शहर में ताजगी है मोहम्मद के शहर में ला आज के दिन के मुनासिबत से बीबी खदीजा बीबी खदीजा माँ की मनखबत पेश कर रही निसाबे इश्क़ वफ़ा सैयदा खदीजा है

जा जद सादा बिना आल अबा सैदा खदी है बिना आल अबा सैयदा खदी जा

कर्म से कोई भी नहीं गया खानी कमाल जो दो सखा सैदा खदी है कमाल जो दो सखा सैदा खदी जा है खुशी हो या के हो गम मुस्तफ़ा के साथ रही खुशी हो या के हो गम मुस्तफ़ा के साथ रही निशान सब रोवला سیدہ خدیجہ ہے نشان صبر و بلا سیدہ خدیجہ ہے ہرا پہ تو شالیے ان کا دم بدم جانا शाल उन कम बदम जान काल हिल मुरा सैदा हदी जान न हो कोशिक कोशिक जो है महल गोशिक, गोशिक। और अपने घर की तरफ इशारा कर रहे हैं न होगा शोर शब कोशिके खदीजा में मकीने खुद गिला सैदा खदीजा है जिन पे अर्श से हक हुई नाजिल के जिन पे अर्श से हक हुई नाजिल ना पसंद जाते खुदा सैद दी जा पसंद जात खुदा सैया खदी जा के किश से तस्लीम में हक हुई आज पसंद जात खुदा सैदा खदी है जिन पे अर्श से तस्लीम हक हुई नाजिल پسند ذات خدا سیدہ خری جا ہے مٹیں گے تیرے مشاہد تمام رنج و عالم مٹیں گے تیرے مشاہد हित तमाम रंग अलम के दरम की दवा सैदा ख़दी जा है निसाबशको वफ़ा सैदा ख़दी है करार शाहदना सही अदा खदीजाह है जजाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये थे सैयद मोहम्मद खालिद हुसैन साहब जो बारगाह रिसाद बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना और बारगाह है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजे

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل احترام زمداران غزمي غلامان المصطفى صلى الله عليه وسلم वो लायक तक्रीम दुर्गानी मोहतरम मुकर्रम व अज्जा साम और पसे पर्दा समात फरमाने वाली इफतमा माओ और बहनों और दौर जदीद के इस मुवासलती ज़राए से इस्तेफ़ादा करने वाले दूर नज़दीक के नादरीन व मुशाहिदीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें रमजान का बरकतों वाला महीना अता फरमाया है और हमें उसने इस बाबरकत महीने में मुकम्मल एक कुरान मजीद अशर उला में पढ़ने की शादत बख्शी है और दूसरे अशरे में दूसरे दौर चल रहा है अल्लाह तारा अपनी बारगाह में इसे शर्फ कबूलियत से नवाजे और सुनने सुनाने वाले और अहतमाम करने वाले तमाम हजरा के हक में मुझे बेखर बरकत और बाय से अजर सवाब करार दे और गुनाहों के लिए कफारा बनाए सयाद किए महू करने का जरिया बनाए और इस मुबारक सिलसिले में ये भी आप हजरा मुख्तलिफ मुनासतों से अल्लाह उसके रसूल सल अल्लाह तलसम के अहकाम और तालीमत समाज फरमाते चले आ रहे हैं चुनाचे आपने जैसा कि अभी में जलसा से मोहतरम फहीम भाई से समाज फरमाया हजरत अमुलबिनीन सदी ख़दीदतुल्कब्रा और रभी अल्लाह तिरामी से मुतक़ कुछ मारज़ात आज हमें पेश करना है ये बाबरकत गिरामी इंतहाई मवक्र ज़ात गिरामी है इंतहाई महतशम ज़ात गिरामी है इंतहाई मज़म ज़ात गिरामी है अल्लाह रबालत ने इन्हें नबी रीम सल्ला तसब वसल्लम की जवजियत के शरफ़ से मुशर्रफ फरमाने के लिए मंतख फरमाया सबसे पहली हज़ू नबी पाकला वसलम की यही जवजा मुजाहरा और अल्लाह रबालत ने इन्हें गुनागु खूबियों और कमाल से मुख्तस और मुमताज़ फरमाया मंजमला उनके ये के हजरत खदीतुल कुमरार ताला अन्हा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लाम के हिबाल अकद निकाह में रहीं हबीब करीम सलातम ने कुछ कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया नबी पाक सलातम की बेपाया महबतों का ये मरकज रही हैं ये हजूर आल सलाम से इंतहाई वालिना महबत फरमाती थी ये तो उनकी अकीदत उनके लिए हकीकत भी थी और उनके लिए सदत और उनके लिए आज़त भी थी लेकिन करम वाला करम ये कि इमामबिया सगीदल सलिन सकदस में सईदा खदीजर रजी अल्लाह की मोहब्बत के लिए खसूशी जगह थी उन्होंने अरश के मालिक के महबूब के दिल में जगह बनाई थी और हबीब करीमीफरम को इतना उनसे उनस और लगाऊ था कि उनके विशाल मुबारक के बाद भी हबीब करीमला उनका तस्कर तमील करते भी और सुनते भी अहादी से सही मजमून है कि इमाम सल्लम इतना उनका लिहाज फरमाते कि कभी कोई बकरी जबाह फरमाते तो बतौर खास उसमें से कुछ हिस्सा हजरत बीबी खदीजतर रजील्ल्ला की सहेलियों के पास भिजवा दिया करते थे यानी उनकी रफाकत जिन्हें हासिल थी उनका ही नबी पाकाम के पास लिहाज एक मरतबा मदीन मनवरा में हज़रत रजीलत में हाजिर हुई और वोरत रजील्हा बहन थी और उनकी आवाज़ बिल्कुल हजरत बीबीत रजियाल्ला के मुशाबे थी जब वो बारह हबीब किबरिया में हाजिरी के लिए दस्तक दी तो रसूल पाकाम ने उनके इजाज़त तलब करने के अंदाज को मुलायजा फरमाया तो आपकी चश्माने मुबारक पर वो मंज़र नमोदार हो गया कि हजरत खदीजा गोया या तशरीफ आई है तो उस वक़्त नबी पाक पाकलाम पर एक वारफ तगी की कैफियत तारी हो गई हदीस पाक में उसके लिए फ़रता आली अली के अल्फाज आए जैसा ही उनके वो अदब वाले अल्फाज आपने सुने तो आपको एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ कि हजरत खदीजा ही आ गई हो

हजरत उमिन सैदा सईदा आयशा रली बयान फरमाती हैं कि मैं हजरे में देख रही थी हबीब पाकम एक अजीब कैफियत के आलम में उठे हजू नबी पाकसलम के जहन शरीफ में जो नक्श उनका मुतसम था वो मरूर ज़माना के साथ कभी महू नहीं हो रहा जमाना था जमाना बीत गया था मगर वो नक्श आपकेब अदस और आपके जहन अरदस से महू नहीं हुआ मिटा नहीं बराबर ताज़ा रहा कितना उन्होंने हजरत हबीब पाक सलाम से अपनी और उनसत अपनी, अपनी महब्बत अपनी चाहत को पेश किया था कि इमामबिया की आदत है मोहब्बत का सिला मुस्तफ़ा मोहब्बत से देते बल्कि मोहब्बत का सिला तो क्या वो रसूल पाक के बारे में तो कहा गया दोस्तां रा कुनी महरूम तू के बा दुश्मना नजरदारी या रसूल अल्लाह चाहने वालों को आप क्यों कर महरूम करेंगे जबकि दुश्मनों पर भी नजर अल्तफात फरमाते हैं आप आपके खाने करम से दुश्मन भी फैजियाब हो रहा है कौन आपके दर से खाली जाता है हुजूर, आप तो मोहब्बतों की सौगात बांटते हैं मुस्तफ़ा जब ये हजरत खदीतुल खदीतुल्कबर रल्हु को हुजूर की बारगाह से एजाज़ मिलता है तो उनके मर्तबे का हर एक को अंदाज़ा होता है कि कितनी बुलंदबाला हंसती है बीबी खदीतुल्कब्र रजी अल्लाह अल्लाह रबुल्ज़त ने जुमला अजबात मुतहरा के लिए निहायत ही हसीन पैराए में मरतबे की निशानदही के हवाले से फरमाया नीम नबी की पाकिजा बीबियों तुम दुनिया की और बीबियों जैसी नहीं हो तुम्हारा शरफ और तुम्हारा मर्तबा तुम्हारा दर्जा और तुम्हारा रुतबा तुम्हारी कद्र मंजिलत की गर्द को भी दुनिया की बुलंद से बुलंद हसी पहुंच नहीं सकती खालिक कौनैन ने इमाम्बिया के बिस्तर से नस्बत के बायस तुम्हें इतना मज़म और मुकर्रम और मोहतचम बना दिया ये हबीब पाकाम का फैसला नस्बत गिरामी या मुस्तफाकी बरकतें और ये भी कैसा शरफ है कि आप देखे कुरान शरीफ कहता है न किसवा अबदा याद रखना ये शरफ़ जोदियत मुतफ़ा से जो ख़ुत को हासिल हुआ है ये कैसा है महबूब पाक के इस आलम से आलम आखिरत का सफ़र फरमाने पर मुनत नहीं हुआ दुनिया का दस्तूर यही है और शरीयत का कानून यही है कि जो भी कितना भी मुतकी परहेजगार क्यों न हो हती के वक्त का वो वलीब कुतुबी क्यों ना हो यहाँ तक के आला दर्जे की शहादत पाने वाला शहीद आजम ही क्यों ना हो जब वो दुनिया से रख्सत हो जाता है तो उसकी बीवी बेवा हो जाती है चार माह दस दिन इद्दत गुजारना उसके लिए जरूरी है उसके बाद अजरू या शरा वो किसी से निकाह करना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा की अजबाद मुतहरात के लिए कानून बिल्कुल फरमाया वला अबदा अब मेरे महबूब की के शरफ से जिन व मस्तूरात को मैंने व मुकर्रम फरमा दिया है ये शरफ़ व करम मुनकते होने वाला नहीं है मेरे हबीब इस आलम से आलम आखिरत की तरफ कूच कर जाएंगे तब भी ये इनको जो बरकतें हासिल है इसके बायस कभी ये रवा ही नहीं है कि इनसे निकाह के, इन के सिलसिले में कोई ख्यालो गुमान भी करे रब तला ने फरमाया वमा कानूद रसूल तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है कि तुम रसूल पाक को अजियत पहुँचाओ मिन की अबदा न महबूब पाक के बाद तुम्हारे लिए रवा है कि तुम उनसे निकाह का कोई मंसूबा बना सको तो यानी कैसा निकाह है कि कायम होने के बाद इनकता का तस्वुर नहीं है और रसूल पाक सल्ला तभी वसल्लम की इस नस्बत से कायनात की खुतिन में मुमताज़ कर दी गई और नबी पाकसम के शरफ को बतलाते हुए रब ने फरमाया अन नबी बिली ये नबी करीम मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनके करीब हैं उन पर हक़ रखते हैं उन पर तसरफ कर सकते हैं और उनकी अजवाज यानी मुकदस बीबियाँ अहल ईमान की माएँ हैं यानी अल्लाह ने यह शरब बख्शा कि सारे के सारे मोमिन मर्दों और औरतों की उन्हें बना बना दिया बना दिया माँ का तक सबको मालूम है अरे भाई आम इंसान की माँ के लिए के उसलूब में एहतराम की तालीम है और मुस्तफ़ा की हदीस में अल जन्नतु तहत वारी है। जन्नत वारी जन्नत माँओं के कदमों तले हैं तो चश्मे तस्वुर में लाइए कि जो आम इंसानों की माओ के कदमों तले जन्नत है तो बिला किसी अख्तिलाफ के बिला किसी बहस और जिदाल के सारे रूए जमीन की मोमिन और मर्द और औरतों की जो माए हैं वो असबाज मरतहरा थे तो अब बताइए जन्नत किस तरह उनके कदमों से वाबस्था होगी कोई तस्वुर कर सकते जन्नत में पहुंचाने वालों की जन्नतें भी उनके कदमों तले कर दी गई यानी जो जन्नत की तरफ बुलाने वाले बनाए गए बल्कि यूं कहने दीजिए कहने में दीजिए व नई मुहा जन्नत और उसकी नमतें अल्लाह ने बनाई ही अपने में के लिए और हसन करीम को जन्नती जवानों का सरदार बनाया और सगीद कायनात को जन्नती खुवात का सरदार बनाया मगर कौन हसनैन बीबी फातिमतु जहरा के शहजादा खान और कौन सगीदा हजरत खदीजा की शहजादी तो सगीदा फातिमत जहरा जन्नती खुवा की सरदार हसन में करीम है उनके शहजादा गान जन्नती जवानों के सरदार और हजरत सगीदा फातिमात जहरा की वालिदे माजिदा है हजरत खदीसुल कुबरा तो बाप गौर कीजिए क्या उनके लिए शरफ है अल्लाह के हबीब अलैहि सल्लतु والسلام के इंतसाद की दर से इसीलिए हबीब पाक अलैहि सलाम ने उनका जब भी इंतहा तस्किला फरमाया तो उम्मुल बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा इसतफसार किया कि वो तो गुजर कर इतना अरसा गुजर गया लेकिन आप है कि बहुती बहुती बहुत ही मोहब्बत और कदरदानी से उन्हें याद फरमाते हैं तो रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो ए मैं उन्हें क्यों याद ऐ करूं वो उस वक़्त मुझ पर अपना माल निछावर की जबकि कोई और इसके लिए आगे बढ़ने को तैयार ना था जब लोग झुठला रहे थे तो वह बढ़ के तस्दीक कर और ये बात भी जहन में रख लेना कि अल्लाह ने उन्हीं के वतन से मुझे औलाद अता फरमाई है मैं क्यों उनका जिक्र खैर ना करूं मेरे रब ने मेरे तीन शहजादे हुजूर को अल्लाह ने तीन अता किए शहजादियां चार अता की उनमें से एक शहजादे हजरत मारिया कितिया से हुए बाकी दो शहजादे और जुमला चार शहजादियाँ हजरत के वतन से हुए ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई वजह भी हजूर आलम ने अपनी मोहब्बत की बताई इससे यहाँ एक बात हमें भी मालूम होती है कि वैसे तो हर शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे चाहे वो उसके साथ जिंदा रहे या दुनिया में उस मौजूदगी में इंतकाल कर जाए फिर भी खैर का तस्करा करे और अल्लाह जब औलाद दे देता है तो फिर ऐसी सूरत में तो और मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए वजह तरजीह मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया कि मेरी और इस बाज़ मतहराज भी हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें से हजरत खदीजा को ये बख्शा कि मेरी औलाद की वो माँ बनी है इस बायस भी मैं उनको तरजीह दे रहा हूँ तो औलाद का होना किसी औरत से ये उसके लिए वजह तरजीह बन जाता है इसीलिए बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं जब नए नए दूल्हा दुल्हन में कुछ बहसें और कुछ ता चलने लगते हैं तो कहते हैं जरा जी औलाद हो जाने दो खुद ब खुद एक मोहब्बत पैदा हो जाती है अब औलाद हो जाती है वह माँ बन जाती है तो वो झगड़े ख़त्म हो जाती अब वो बच्चा उसकी गोद में है जो उसको रहता है

तश्नी के तीर से उनके दिलों को घायल रहती है ये भी रविश मुसलमान औरत को जेब नहीं देती मुसलमान मर्द को जेब नहीं देती हमारे समाज और माशरे की खराबियों को हम इन पाकिजा हस्तियों के किरदार की रोशनी में दूर करें और संवारें क्योंकि इनकी मुबारक जिंदगी आईना है देखिए हजरत बीबी खदीतुल कुबरा को मुस्तफ़ा ने कितनी मोहब्बतों से नवाजा और ये मोहब्बतों को पाने के लिए उन्होंने कितने जतन किए हैं उन्होंने कैसी कुर्बानियाँ दी हमें आका की उन पर करम नवाजी तो याद आ गई है अभी मैंने कुछ उसकी आपके सामने रखी हैं जिसने आपके मेरे जहन व दिमाग को भी उजाले दे दिए हैं लेकिन ये भी गौर करें कि ये सीदा इब्तदाई जिंदगी ही से मुतफ़ा सलाम के लिए कैसे तसली का सामान और कैसे करार का बायस बन गई थी नबी करीम सलातम की वो उन शबाब की जिंदगी जिसमें नबी सलाम का दुलाफ़ नबी पाक की सदाकत अमानत दारी नबी पाकलात की फत मबी नबी पाकलाम की ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी नबी सलाम की गरबा परवरी नबी पाकाम की करम नवाजी ये सीरत मुस्तफाक़ वो दरख अबूबाब थे जो हजरत ख़िया को दावत नजर दे रहे थे कि तुमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जवान देखा है कि जिसके किरदार की बुलंदी के सामने सुरैयाबी झुक कर सलाम का नजराना पेश करता कैसी किरदार की बुलंदी है यहाँ सनाजीद कुरैश है रुआसा व उमरा है हर एक के पास इल्म है फसाहत है बलागत है दौलत है वजाहत है शोहरत है इज्जत है, शान है शौकत है लेकिन इसके बावजूद हजरत खदीजा ने जब नबी पाकाम की जाते पर पड़ी हबीब पाक सलात से अभी निकाह नहीं फरमाया था एक लेन देन का मामला हुआ कि उन्होंने अपना माल नबी पाक सलातम के जरिए से मुल्क के शाम भिजवाया और इमाम के साथ अपने गुलाम को खिदमत में रख दिया हबीब करीम दुनिया में अभी अपनी नब्बत की रोशनी नहीं बखी रहे अभीदार से दुनिया का माहौल बना रहे हैं मुस्तफ़ा हबीब पाकसम अभी आयात बजारत के उसूल पर मुश्तम लाजिल नहीं हुई लेकिन अपने अमल से तजारत का ऐसा बेहतरीन तरीका बताए कि जिसमें कोई खियानत नहीं जिसमें कोई दरो गोई नहीं जिसमें कोई झूठ खसूट नहीं साफ शफाफ आपने लेन देन किया जिसके नतीजे में खालिक कौन ने बरक़ात कसीरा से नवाज दिया और नफे कसीर के साथ मुस्तफ़ा वापस आए और फिर वो नफा का ढेर हजरत खदीजा के सुपुर्द फरमा दिया और फिर रास्ते में जो आपकी जिरामी के ऐसे अहवाल सामने आए कि जिसने एक आलम को वरतः है हैरत में डाल दिया था ताजुब और इस की कैफियत में दुनिया डूब गई थी ये कौन जाति गिरामी है कि जो धूप में चल रही है तो इनके सर पर बादल साया कर रहा है और इनको दरख्त के पास इनकी कौम के लोग ऐसे मकाम पर बिठाए जहां साया नहीं है साये दरख के नीचे साए की तरफ ये लोग बैठ गए और उनको उस जानी बिठाए जहां साया नहीं है मर दरख्त खुद ब खुद अपने वजूद के साथ उनकी तरफ होकर पूरा साया उन पर डाल दिया हैरान हो गए कि यहां ये कौन सी जाति गिरामी आ गई ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है इनके दसफ़ को हम जानते इनकी विलादत हमारे दरमियान हुई है ये हमारे दरमियान नशवनुमा पाए हैं अब शबाब की कैफियत है और मामलात की इतनी पाकिजगी और शफाफियत है अकस्सा मुख्तर कुछ ऐसे वाकियात रोनुमा हुए थे कि जिसकी तफसीर हजरत बीबी खदीजा को सुनाई गई हजरत खदीजा के दिल ने गवाही दी क्योंकि वो आसमानी किताबों में जो बशारतें आई थी उसका भी उन्हें इल्म था वर्का बिन नोफल जो अरब के अंदर किताब के जानने वाले बड़े आलिम थे वो उनके भतीजे हुआ करते थे उन्होंने कुछ बातें उनसे भी सुन रखी थी अलगरस दिल ने शहादत दी कि ये ज़ा गिरामी आगे चल के एक अजीमत इनकलाबी ज़ात गिरामी के रूप में दुनिया के सामने जाहिर होने वाली है मैं अपनी किस्मत को इनके साथ वाबस्ता कर दूँगी तो इनके जिक्र खैर के साथ मेरा भी जिक्र खैर होता रहेगा और खुदा की हिदायत मेरे घर से चमकेगी और आफ्ताब रिसालत की किरणें आलम को मुनवर करेगी लेकिन उसका मतला मेरा घर बन जाए ये सादक मुझे मिल जाए इसी तमन्ना खाश में उन्होंने ये किराप प्रोग्राम बना कि अपना अगद निकाह के सिलसिले में ऑफर दिया मुस्तफा की जाते गिरामी से अपना रिश्ते निकाह करने का इरादा किया जबकि रू असाए मक्का भी उनको रिश्ता दे चुके थे सबके उन्होंने रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया रद्द कर दिया हबीबे पाकलाम की खिदमत बाबरकत में उन्होंने गुजारिश की और दुनिया का दस्तूर ये है कि कोई अपने माल के लिए किसी को काम पर लगाए तो उसको बाहर अपना मातहत समझता है और जो अपने कारोबार में शरीक बना है महस वर्कर के तौर पर काम करने वाले के बतौर उसको कोई अपने घर में यह इज्जत दे कि खुद मालिक निकाह का मंसूबा बनाए आम दस्तूर के खिलाफ नजर आता है मरबीबी खदीजा देख रही थी कि ये मालिका मैं नहीं हूँ क्यों ना ये पूंजी उन्हीं के कदमों में नजर करना चाहिए लिहाजा इसका तरीका ये है कि इतने बड़े मक्के की सरमायादार खुद उनकी कमीज बन जाएगी निकाह के जरिए से इस तरह से उन्होंने सोचा जब ये बात हजरत अबू तालिब की खिदमत में रखी गई तो हजरत अबू तालीब हजूर अल्लाम के जान है उन्होंने इसको पाक की मुशावरत के साथ मंजूर फराया और तकरीब यू के ताला की तरफ से उनके नुमाइंदे उनके वाल तो फरमा चुके थे इधर हबीब पाकाम के चा हजरत अबू तालिब उस महफिल में पहुंचे नबी करीबर है रोसा और सनाजीदे कुरैश हैं अजीज वीबा मौजूद हैं अल्लाह के हबीब अलैहि व सलाम का निकाह यूं होता है कि हजरत अबू तालिब खुतबा पढ़ते हैं और अजीम खुतबा होता है उसमें जिक्र करते हैं कि लोगों तुम्हें मालूम है कि ये मोहम्मद बिन अब शरफ फजल में इल्म व हिकमत में इस पाए के हैं कि इनका हम पल्ला कहीं कोई नजर नहीं आता मेरे इस भतीजे से रिश्ते निकाह की इन्होंने पेशकश की है जिसको मेरे भती भतीजे ने कबूल किया लिहाजा इस निकाह को मैं मंजूर करता हूँ उसके बाद हबीब पाक अजीम तरीके पर चार सऊदी तो पैमाने पर वलीमा फरमाया और नबी ने एक या दो ऊंट आपने जब फरमाए और इंतहाई अजीम दावत हुई अल्लाह के महबूब सलातलाम का अकदे निका हजरत बीबी खदिया से हुआ नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक पच्चीस बरस की है हजरत बीबी खलिया की उम्र मुबारक चालीस साल की है और दुनिया में तरीक़ा ये था कि बेवा को मनहूस और मायूब समझा जाता था मुतल्लका के साथ रिश्ते निकाह करने को अपनी शान के खिलाफ समझा जाता था अब ऐसे कल्चर में नबियों के सरदार हबीब किरदगार अपने हसीन किरदार से ये दुनिया को सबक दे रहे हैं दुनिया वालों दुनिया का तरीका ये है कि दुनिया सुहागन को अभागन बनाती है लेकिन आज एक अभागन को सुहागन बना रहा है। एक बेवा जो किसी निकाह में शरीक हो जाए तो समझा यह जाता है कि अब इसमें बरकत नहीं होगी इसलिए कि बेवा का इसने मुंह देखा है इसलिए उसका मुंह न देखे इसलिए उसको आने से रोका जाता है और दस्तूर अरब में जाहिलियत का तौर और रीत ये थी कि बेवा के साथ नहायत ही नाजेबा किया जाता था। ऐसे माहौल में उनकी पेशकश को क्या कबूल किया तक आने वाली को अपने अमल से सबक और दस्तूर को ऐसा मुनवर तरीके पर पेश कर दिया कि देखो अल्लाह के नबी की जवानी ऐसे मौके पर जबकि दुनिया का हर हुसन हजू नबी पा कर सलाम से मनसूब होना चाह रहा था मगर इमामबिया सईदर सली ने बबी हजरत खदीजा को इस शरफ़ के लिए मंतखब फरमाया और उनकी गुजारिश और दरख्वास्त को कबूल फरमाया हबीब पाकस बरस की उनकी उम्र थी और नबी पाक की पचास बरस, बरस की पच्चीस बरस की उम्र मुबारक है अब फिर इला ने चालीस बरस में किया पच्चीस में और पंद्रह में जाओ तो चालीस होते हैं तो इस तरह से चालीस नबी पाकम की उम्र मुबारक को जब आप पहुंचे तो फिर उसके बाद अल्लाह ने कुरान के नजूल का सिलसिला शुरू किया उसके दस साल तक हजरत खदीजा हजूर के साथ रही तो जुमला पच्चीस साल तक हजरत खदीजतुल्कुबरा की रफीक हयात बनी रही और हजूर की उम्र मुबारक पचास बरस को पहुंची तो पच्चीस साल की जवानी से मजीद पच्चीस साल तक मुस्तफ़ा ने इसी मुकदस खातून के साथ अपने शबाब को जोड़ दिया और किसी अकदे निकाह को हजूर ने मंजूर नहीं फरमाया जो मुस्तरक दुश्मनान दीन हजूर के निकाह के हवाले से मुख्तफ किस्म की हरजा सर करते हैं या वो करते हैं और नक़ीक तबसरे करते हैं और हमारी नोखेज नस्ल भी हक़ाक से नाबलद रहकर उनको बसाओकात साद देती है तो है अब जवाब क्या होना कहकर परेशान हो जाती है हकीकत को मैंने आपके सामने वाजे कर दिया नबियों के सरदार की उम्र पचास बरस की हुई सिर्फ तनह हजरत खदीजा जो कि मुतल व बेबाथी मुस्तफ़ा की जौदा बनी थी

ने अपनी पूरी दौलत को मुस्तफ़ा के कदमों में निछावर कर दिया मैं क्या मेरा जो कुछ है मुस्तफ़ा मुस्तफा के लिए नजर है हबीबे सलाम जिस वक़्त एलान नबत फरमाए तो अब इस्लाम के लिए मुश्किल शुरू हो गया परेशानियों का दौर शुरू हो गया नजूल वही इलाही के साथ अपने का शानदत तरीरीफ लाते हैं हजरत चादर उड़ाओ, चादर उड़ाओ। कि नबी पाक सलाम वो इलाही की वो कैफियात अल्लाह के कलाम का जलाल उसके अंदर के अनवार तजलियात की वजह से हबीब के कल्ब इकदस्त पर जो कैफियत तारी थी आपका जिसमारक का मुतहरक हो रहा था आपके शान का गोश्त हिल रहा था ये कैफियत में रसूल पाकाम तशरीफ तो लाए और अहादीस में आता है मुस्तफ़ा पर तो वह जबी नाप की जो है पेशानी ये मुबारक अर्क आलूदा हो जाती यानी पसीना मुबारक उससे नमूदार होता मोतियों जैसा खुशबुदार पसीना निकलता सख्त जाड़े में भी मुस्तफ़ा के माथे से पसीना मुबारक नमूदार होता था अब अंदाज़ा कीजिएगा भैया कितना बार हबीब ने अपने ऊपर दिया और हमारे लिए आसान फरमा दिया मैंने खतने कुरान के मौके पर अली जदा मोहम्मद फहीम साहब के घर में भी ये बात अर्ज की थी वो कलाम का बार हबीब ने संभाला और उम्मत के लिए आसान फरमा दिया रहमत कितना गिरानी थी उस कलाम की आप अंदाजा कीजिएगा एक सहाबी अर्ज करते हैं कि मैं हजूर आसला तो की खिदमत में था मेरे आकाम अपने सरे को मेरे जान मुबारक पर रख कर इस्तेरमा रहे थे और कुरान की पूरी आयत नहीं एक हिस्सा कुरान का निकला एक फिकरा नाजिल होता है तो बार ऐसा पड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पहाड़ मेरे मेरे जानों पर रखा हुआ है और चूर चूर हो जाएगा मेरा जानो इतना उसका बार मैंने महसूस किया क्या है पाकि जिसमें दस की ताकत और अंदाजा अब वो पहली मरतबा वही आई है तो मुसलसल वही नाजिर होने के वक्त में भी ये हालत है फर्स्ट टाइम वही आई जबरी अमीन आए गार में और का तो भी भी रोकती थी वो महसूस करती ये नशीनी में भी कुछ रास की बातें इसलिए वो रोकती नहीं थी कभी एक हफ्ते के लिए तशरीफ ले आते कभी एक आध माह और चालीस दिन का अर्सा भी हजूर वहाँ गुजारते थे कुछ तोशा भी साथ ले जाते थे उमत को तालीम देने के लिए के तवक्ल के खिलाफ नहीं है ज्यादा राह अख्तियार करना बसाओकात लोग क्या कहते हैं भाई हम अल्लाह की राह में निकल गए और की क्या जरूरत है मदीनी में जो मिला खा लेंगे मक्के में जो मिला खा लेंगे वो आ रहे तो में ये मतलब नहीं है कि आप जदे राह को आप तर्क करके चले कुरान कहता है वह तज्वदू फ खैरत तकवा भाईओ जब सफर पर जाओ तो ज्याद राह भी अख्तियार कर लो अपने लिए तोशा सफ़र भी अख्तियार कर लो फिन खैरत तकवा सबसे बेहतरीन तोशा लोगों के तोशे पर नजर नहीं डालना है बेहतरीन तोा क्या है मांगने से बचना है। तो आमतौर पर हमारे पास ये बात जहन में नहीं रहती है किसी खैर के काम में लिए तो क्या खाएंगे देख लेंगे जो भी होता अरे पैसे नहीं है, है आपके पास। जो होता खा लेंगे बोले तो ये क्या बात है ये नहीं है ऐसा तरीका ये है कि आप अपनी पूंजी को खाने के लिहाज से आप कहीं दावत होगी एक अलग बात है अल्लाह तला खिला दिया किसी के पास याफत होगी तो फी लेकिन अपने तौर पर चाहे मुख्तार तरीके पे सही एक बन और क्या कहते हैं दही दही और बन खाए उतना दही रोटी खाए उतना कम अज कम दर्जे में जिससे रमक हमारा सद रमक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए तो देखो रसूल पाक पाकाम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हिरा में और कौन पैगम्बर और किसकी याद में अल्लाह की याद में क्या जरूरत थी भाई आपको तो ले जाने की क्या जरूरत थी पानी ले जाने की सत्तू ले जाने की क्या जरूरत थी मगर हदीस गवाह है कि मुस्तफ़ा ले जाते थे फैतू फ़ैता जब वदू के अल्फाज और कभी कभी ऐसा होता ताखिर होगी तो हजरत खदीया कुबरा हाजिर होती थी कुछ ना कुछ टिफिन लेकर आया करती थी और आज भी गार हिरा को आप जाते हैं हम देखते हैं कितनी हिम्मत से उस पर चढ़ना चढ़ना पड़ता है और हजरत खदिया की उम्र मुबारक क्या है बोलिए चालीस साल में तो निका हुआ फिर पंद्रह साल उसके बाद तो क्या उम्र मुबारक होंगी बोलिए चालीस साल की उम्र फिर वही जब आई थी तो पंद्रह साल तो पचपन साल की खातून मुस्तफ़ा सलाम को टिफिन देने के लिए जब नूर पर चढ़ रही है गारे हिरा। अब हमारी माँ को भी समझना चाहिए कि देखिए उस क्या है अपने खाविंद काम में या किसी कास पर गए हुए हैं तो तानो तशनी के जुमले नक बोलकर उनको मजरू करने के बजाय रफीक हयात का काम यह है कि रफीके कार बन जाओ मैने कार बन जाओ मददगार बन जाओ देखो सगीदा ने क्या किया पाक थी नहीं, तुम कैसे जी तो नहीं आना चाहिए नहीं क्योंकि थी। और परदेश में नहीं आई थी देश में आई थी परदेस से आई थी समझ गए तो इस, इस्लामी हिजाब इस्लामी निकाब की पाबंदी के साथ शौहर की ये खिदमत करना जबकि कुरान और हदीस में खुले लफ्जों में लिखा हुआ तो नहीं रहता मगर सीरत सईदा खदी और गुबरा में हमें यह नजर आता है कि वो हजू पाक टिफिन पहुँचाने के लिए कितना चढ़ने में बार हुआ होगा सांस कितना फूला होगा कितनी तकलीफ हुई होगी वो किसी भी अंदे से बालातर होकर निकल गई उनको ये ख्याल नहीं आया जा, मैं जाऊंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं दरिंदा आ जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर से कोई शेर आ जाएगा क्योंकि जंगल है ना अब तो पूरी सहूलतें नजर आ रही यहाँ से वहां तक आबादी है पहले आबादी में थोड़ी था आबादी से बाहर था और जाना मुश्किल था खुजूल नबी करीम सल वसम वहाँ का इंतबाब भी अल्लाह तला की तरफ से किए थे और हजरत बीबी खजिया पहुँचती है और पहुंची तो क्या हुआ जब ये कुर्बानी देते हैं तो सिलाबी के मालिक की बारगाह से क्या आता है अब सुन लो हजरत खदीजुबरा हु की बारगाह में पहुंची अभी वो पहुंची नहीं कि अर्श के मालिक के पास से जबरील पहुंच गए इधर मक्के की आबादी से खदीबरा जबल नूर पहुंची चल रही है अभी सीढ़ियां भी नहीं है मगर चल रही है कितना बल खाते भी चढ़ी होंगी अरे वो उम्मुल मोमिनीन के जज्बे मोहब्बत को जरा इसके जरिए से समझने की कोशिश करो तो बहरहाल पहुंची तो अल्लाह के दरबार से जिबरील आए मुस्तफ़ा की बारगाह में और आकर करते हुजूर हाही खदीजा मेरे आका ये खदीजा हैं अभी आपकी बारगाह में आ रही है मुस्तफ़ा और उनके साथ एक बर्तन है जिसमें खाने की कोई चीज़ है जिसमें कुछ सालन है कुछ पीने की चीज है तीन चीजों का जिक्र आता है इदाम सालन है ताम खाने की चीज है शराब पीने की चीज है कोई मशरूब भी लाई सालन और रोटी से तो खाएंगे पियेंगे क्या तो तीन चीजों का भी जिक्र आता है कि सालन भी है रोटी भी है ताम खाने की कोई चीज है और पीने की कोई चीज है ये लाई है मुस्तफ़ा जब वो आपकी बारगाह में आ जाए तो मुस्तफ़ा मेरा भी सलाम उनको फरमाइए और रब का भी सलाम फरमाइए तो ये भी चश्मे तसुर में लाइएगा मंजर को और आपको समझना जल्दी आसान है तो क्योंकि गारे सौर को गारे हिरा को जाते आते रहते हैं मगर इसमें मैं तो हुस नजर रखता हूँ जाते आते रहते हैं मुझे हाल में एक बात मालूम हुई एक साहब कितने की साल से मक्के में रहे जद्दा में है मगर मक्का मुकरमा ही नहीं गए बोले हाल में मैं इसी सफर के दौरान सोना मदी ने एक साहब बोले साहब पूछा तो बोले कहो भैया हूँ मगर जाना नसीब नहीं हुआ ठीक है आए जब कर लिया था उमरा बोल रहे वारे पे क्या बोल तो नहीं नहीं चढ़ा तो मरना था यहाँ कई को आए अमेरिका में जाके कमाना था ना हिजाज में आने कुछ बार गुशरम आई क्या यहाँ का खा रहे यहाँ के पीरें मुस्तफ़ा सलातम की हिजाज में रह रहे ना तुमको गार शोर मालूम ना गार हीरा मालूम ना कभी चढ़कर उसकी बरकतें पाने और उस मंजर को देखने और उसमें तकलीफे कितनी सहकर पहुंचे थे इसका इजरा करने का मौका मिला क्या फ़र्क रहा हा? उससे बेहतर वो गरीब आदमी है जो रुपया दो रुपया जमा कर करके उम्रे को आता और तड़प तड़प के मकाम की ज्यारत करता हज को आ तड़प तड़प के मकाम की ज्यारत करते मैं 2002 की बात अर्ज़ कर रहा हूँ जब मैं पहली मरतबा हज के लिए आया था 96 में उम्र पे आया था तब भी ये शरफ हासिल हुआ और जब हज पे आया था तो मैं हमारे मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमत आबादी शेख उदी फर्मा गया वो भी उस साल हमारे पास हमारे साथ सफ़र हज में थे तो उन्होंने भी कहा देखो भाई गार शौर गार हिरा पे जाना है कैसा भी आप प्रोग्राम बनाना अल्लाह बराबर मुझसे मैं भी पहले से इरादा किया हूँ बहरअल कोशिश करके करा के चंद और ओलमा भी आए हुए थे हम लोग गए तो हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग चढ़ते जा रहे हैं तो तय कर लिए कि कहीं बीच में रुकेंगे नहीं और एक ही दिन गारे सौर पे भी जाएंगे गारे हिला पे भी जाएंगे ऐसा बना लिए हिम्मत करना अल्लाह ताला की मदद होती है एक दिन अलग अलग नहीं लंबा पड़ता होंगे थकते होंगे लेकिन यह है कि तो फजर के बाद जाएंगे जोर तक दोनों की जा रहे थे तो हम चल रहे थे तय कर लिए कि बीच में कहीं रुकना उकना नहीं ढाई घंटे का सफर होगा चलते जाना कंटिन्यू क्योंकि हुजूर साहब हम रुके थे क्या ऐसा एक वारफ्तगी में जहन बदलिए थी चलते चलते एक जगह हिम्मत जरा जवाब दे रही थी अरे तो रुकेंगे क्या दम आ रहा जरा बार पड़ रहा एक तुर्की खातून को देखे खमीदा है कमर झुकी हुई है चलना मुश्किल है ऐसा वारफ्तगी के साथ चल रही है तो हम बोले लाहौल होता ला 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 ये बुरी शौक और वार हो तो यहाँ इंसान तो ताकत से नहीं चढ़ता इंसान जज्बा चाहिए फिर उसके बाद अल्हदुल्ला चले गए कलम से गारे सौर में तो बायदा हम लोग फसीदे बुरदा शरीफ ही पढ़े ये भी शरफ हासिल हुआ कि हम लोग बुलंदर चले गए काफ़ी मौका मिल जाए तो जबानी तौर पर याद था कसीदा शरीफ तो पढ़ने की शादत हासिल की तो मैं याद करना चाहता हूँ कि ये मंज़र जो है हमको समझने का है हम तो हुसने अजन ने बोल दिया मैं आप तो जाते आते रहते होंगे अल्लाह करे कि मेरा हुसन अजन सादिक हो अगर नहीं है तो कम से कम अब तो ख्याल करना चाहिए और हिम्मत करना चाहिए ये मकाम है और ये अपनी असली हालत में मौजूद है कोई तकजूर नहीं आया इसके अंदर आप कसम खुदा की खा के बोल सकते आप क्या अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ यही शौर है यही खिला है जिस पर मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए दे दिल में काशे आका को देखेंगे भाई आप आका को देखने की तमन्ना तो है लेकिन जिसको आगा... जिसने आका को देखा वो अपनी असली हालत में मौजूद है उसको इ... कभी इस एंगल अं... से भी देखो और वाकई ये कि हम जब हद पे आए थे तो यही मंजर चश्मे तस्वुर में ला के देखते थे ये दरख्तों पर ये पहाड़ों पर नजर पड़ी तो सोचते थे अल्लाह ये पहाड़ों से मेरे मुस्तफ़ा गुजरे थे इन्होंने असलामैक या रसूल कहा था जीप कैफियत तारी हो जाती थी, थी वाक़ता वो मंजर देखने के बाद तो एक जज्बे के साथ इंसान सोचता है तो उसके दिल की दुनिया में एक चराग जलता है और वो चराग जलता है तो फिर वाक़ता अंधेरियों में इंसान कभी भटकता नहीं तो हमको लाजिम है इश्के सरकार की जला बाद मरने के लहज में भी अशार के तनाज़ुर में तो अपने एहसास का इधार करते हैं लेकिन हकीकत यह है कि इश्क है तो कुछ असर भी होना चाहिए और असर यह है कि महबूब के आसार से इश्क़ और मोहब्बत ता ताल्लुक भी होना चाहिए उनके अफाल और अखवा से ताल्लुक होना चाहिए तो बहरहाल में यह अर्ज़ कर रहा था कि हजरत गुबरा कितनी मशक्कत सहकर पहुंची थी होंगी कि रब जबारक वाली की रहमत के दरिया को जोश आया उनकी कैफ की कैफियत और उनका वल वला उनका शौक जो घर से उनको निकाला था होगा क्या सोच कर निकली होंगी मेरे मुस्तफ़ा ना जाने किस कैफ में है कितना अरसा गुजर गया सोचा शायद ख़त्म हो चुका होगा पानी शायद नहीं होगा हबीब खुद नशील लाते थे मगर खिलाफ मामूल आए नहीं लिहाजा पहुंचना ही चाहिए फिर दिल में यह भी ख्याल आ रहा था होगा मैंने दरियाफ्त तो नहीं किया था आ सकती हूँ क्या अब मैं अपने तौर पर जा रही हूँ कहीं मुस्तफ़ा रूट तो नहीं जाएंगे कहीं खफा तो नहीं हो जाएंगे ये मुख्तलिफ़ की कैफियत में मोहब्बत क्या करती है अंधे से भी आदमी को सिखाती है महबूब भी तो नहीं हो जाए खिदमत के लिए मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ कहीं खफा हो जाएंगे क्या, क्यों कहेंगे क्या। क्या -क्या हलचल मचाली थी कि बिल आखिर तय कर ली नहीं हबीब पाक की अगर थोड़ी देर के लिए नाराजगी भी हो तो खिदमत को मैं इख्तियार करूंगी अगर खफा हो जाए तो दो जुमले सुन लूंगी मगर मुस्तफा को मेरे खिला के रहूंगी पिला के रहूंगी यह तय करके लेकर मालिक ने फरमाया खदीजा तुमने अपनी बिसात के मुताबिक मुस्तफ़ा की जियाफ़त की है जो मेरे कुर्ब की लज्जत से हमकिनार हो रहा है और मेरे अनवार से जो तो सरशार हो रहा है इसमें ये ज़ाहरी गजा की जरूरत तो नहीं है मगर तुमने अपनी सोच में का किया है तो अरश के मालिक अब तुम्हारी के लिए का यह बंदोबस्त करता है कि जबरी लेकर आते हैं अब खदीजा तोशा लेकर आ रही है ये खदीजा का तोहफा कबूल कीजिएगा और हमारा तोहफा उनमें दे दीजिएगा कि मेरा भी सलाम उन पर मेरे जबरील का भी सलाम उन पर और उसके साथ एक घर की खुशखबरी दे दीजिएगा जन्नत में जो तराशे हुए मोतियों का अजीम महल है जिसमें शोरो शगब नहीं है जिसमें शोर गुल नहीं है जिसमें कोई मशक्क़त नहीं है उस की दे ये की है। घर की खुशखबरी की किर वहां से चमकने वाली है बैतीजा बैतुल अनवार बैतु अनवारी अन्वार, इस्लाम होने वाला है बैतु मतलाम होने वाला है अल्लाह ने फरमाया कि महबूब खबल इसके उनका घर नबूवत का मतला बन जाए हम घर जन्नत में उनके लिए अलाट कर देते हैं जन्नत में घर दे देते हैं उन्होंने अपना घर दीन के लिए दे दिया है रब जन्नत में आलीशान घर उनको दे देता है कुछ अभी सुन लीजिएगा क्या अजीब कैफियत है क्या अजीब शान है क्या अजीब शौकत है हजरत खदीज खुबरा रजी अल्लाह तहा ये हबीब पाक सलात वसलाम से नमतें पाई हैं तो अलगज़ में ये कह रहा था कि वही ये इलाही का जब पहली बार नजूर हुआ हबीब पाक उस कैफ के आलम में आए जैसे तशरीफ लाएलूनी फरमायाबीबी तो खदीजल गुबरा ने चादर उठाई और हबीब सलाम की कैफियत ऐसी थी कि जबान से निकला या खदीजा लकद खशीत तो वालमफी खदीजा अब मुझे ऐसा लग रहा है खौफ लग रहा है मुझे अपनी जान पर मुझे खतरात महसूस हो रहे है खदीजा इस बात का खतरा कौन सा खौफ महसूस कर रहे हैं तो दिससी ने के राम कई उसकी तश्हत फरमाते हैं वक्त नहीं है कि उनकी तवजीत में आपके गोश गुजार कर सकूँ एक बात उसमें से मैं यर्स करता हूँ कि ये खौफ था कि अब मुझे अल्लाह एक पैगाम का मुकलफ़ कर रहा है उसकी तबलीग इरसाल के लिए इशात के लिए मामूर फरमा रहा है अब ये ऐसा पैगाम दुनिया को देना है कि दुनिया इस पैगाम से नाबलद है क्योंकि मेरे से पहले नबियों का सिलसिला जारी नहीं रहा एक ब्रेक आया था हजरत ईसा सलाम के बाद से मुस्तफ़ा के दरमियान एक तवील फतरत का जमाना गुजरा इस वजह से नबियों की आमद का सिलसिला मौकूफ होने की वजह से दुनिया नबियों के सबक से नावाफ हो गई और तोहद के दर्द से नावाफ हो गई शर की आलूदियों में घिर गई और कुफर की नजासत से गंदी हो गई दुनिया अब ऐसे वक्त में सारे तराशीदा बुतों के सामने माथे टेकने वालों को मैं कहूँ ला इला ला 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 तो दुनिया मुखालफत करेगी दुनिया खतरात से दो चार करने के लिए हर तरह का जोर इस्तेमाल करेगी लखद खशीत ने फरमाया जाऊंगा परचम कबूल नहीं कर देंगे लोग नहीं देखेंगे तो बीबी खदीजा की जबान मुकदस से जो अल्फाज तसली के निकलते हैं बुखारी शरीफ ने अपने अंदर महफूस कर रखे हैं सही बुखारी को खोलो बल वही में आप अगर सफ़ा खोल के आखिर हिस्से से पढ़ते हुए जाइए दूसरे सफ़े पर यह अल्फाज मिलते हैं कहने लगी कल्ला मा अल्लाह हरगिज हरगिज फिक्र ना करें मुस्तफ़ा अल्लाह की कसम खाकर मैं आपको इत्मीनान दिलाती हूँ आपका अल्लाह आपको बेमदत नहीं छोड़े अल्लाह आपको कभी रुस्वा होने नहीं देगा मुस्तफ़ा क्यों अब उसके बाद हजरत नबी पाक की तस्हर कलब के लिए उन्होंने किताब जिंदगी मुस्तफ़ा से जिन नवादिर मोतियों को चुना है वो आपके गोश गुछ गुजार कर रहा हूँ क्या चीज है फरमात इन नसीम या रसूल बेशक आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं वह कल नातवानों का बोझ उठाते हैं वो बिल्कुल जो मुफलिस है मोहताज है कमा के उनको खिलाते हैं आप वह तकर मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं आप यतीमों के वाली हैं आप बेबागान का सहारा हैं आप वह तयीन वाला नवाइ हक़ की राह में जो मुश्किल से दो चार होते हैं आप उनके मददगार बन जाते हैं मुस्तफ़ा जिसकी किताब ज़िंदगी का ये फैज़ कि मेहमान नवाज भी हो गरीब परवर भी हो बेवाओं की खबरगिरी भी करता हो यतीमों पर दस्ते शफ़क़त भी फिरता हो और बेसहारों का सहारा भी हो समाज के गिरे हुए तबके को बुलंदी और औज और कमाल की नेमतों से हमकिन भी करता हो और जो अखलाक की दौलत से महरूम है उनको नादिर अखलाक के जौहर अता करता हो ऐसे किरदार वाले को अल्लाह बेमदद छोड़े मेरा कल्ब कभी ये नहीं कहता मुस्तफ़ा यकीन मदद होगी और आपका परचम लहराएगा आपका बोल बाला होगा आपके चाहने वालों की जमात बनती जाएगी और चार दांगे आलम में आपके नाम का डंका बजता रहेगा मुस्तफ़ा ये है हजरत खदीतुलकुबरा रजी अल्लाह का हजूर की बारगाह में कराच और हजूर पाकलाम से उन्होंने ये अर्ज करके अपने दिल के अंदर जो इश्क मोहब्बत की कैफियत थी और जिस आँख से हुजूर को देखती थी उन्होंने उसका इजहार फरमा दिया तो समझ गए आप ये हजरत खदीतुल गुबरा रजी का बलबला और हुजूर की नात लिखने वाले हसन बिन साबित का जिक्र आता है लेकिन मैं कहता हूँ हजूर की नात लिखने वाली सबसे पहले बीबी खदीजा क्यों ये जो सिपात बयान की क्या है ये नात का मौजूद है कि नहीं बताइए नात किसको कहते हैं अब हमारे पास नात तो अपने जज्बात के इजहार का नाम हम रख लीजिए कि मैं इश्क में तड़पता हूँ मैं रोता हूँ अपने हाल को पेश करने का नाम हमने नात रख लिया है ये मारूज़ा है ये मुनाजात है ये गुजारिशात है यह नात का हिस्सा नहीं है नात तो महबूब की तारीफ करने का नाम महबूब के कमालत गिनवाने का नाम है तो सगीदाए कायनात की मादर मेहरबान ने हजरतरा ने और एक औरत ने अपने हौसले का इजहार किया नात लिखना हो तो मुस्तफ़ा के इन कमालत का इजहार करो कि देखो मुस्तफ़ा कैसे गरीब परवर हैं कैसे यतीमों के वाली है कैसे बेबगान की खबरगिरी फरमाने वाले हैं कैसे हक़ की राह में मददगार हैं कैसे हजूर पाकर अखलाक के जौहर दुनिया को अता फरमाने वाले हैं किरतों को संभालने वाले हैं पस्ती जिनका मुकद्दर हो चुकी बुलंदी उनको अता करने वाले हैं तो ये सिपाते मुस्तफ़ा का उन्होंने दस्करा किया हुजूर की किताब जिंदगी के इन दरखश्शा पहलुओं को उजागर करके नात का नात खानों को हौसला दे दिया तो ये नात है नसर में और हजरत अबू तालिब ने नजम मेहनत लिखी वो अब यदा यजा गमा सिमालुल यतामा इस मतुल आरामिल वो हसीन चेहरे वाले बादल जिनके चेहरे की खैरात से बरसता है यतीमों के मददगार हैं बेवाओं की हिफाजत रखवाली करने वाले हैं वो हबीबे पाक यतामा इस मतुलदिल आरामिली बेबागान के लिए सहारा हैं यतीमों के वाली हैं तो अल्लाह के हबीबलाम की ये जद की किताब ज़िंदगी के जिस गोशे को भी आप देखें दरखश्शा पाएंगे ताबनाक पाएंगे मैंने चंद गोशे आपके गोश गुजार किए लेकिन फिर मुझे यही कहना पड़ता है ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है जो कुछ बया हुआ आगाज बाबू था खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे बाग बाँ जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे वाखिर محمد صلى الله عليه وسلم सबा मदीने में मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना नहीं है कोई ये बजुज तुम्हारे हमारा इतना पयाम कहना सबा मदीने में मोस् मुस्तफा से हम बेकसों का सलाम कहना नहीं है कोई बेजुज तुम्हारे हमारा इतना कहना मैं पापे याद या मोहम्मद संभाल लीजे संभाल लीजे सिवा तुम्हारे किसे पुकारे तुम्हारा जना गुलाम कहना सबा मदीने में मुस्तफा से हम बेकसों का सलाम कहना नहीं है कोई बजुज तुम्हारे हमारा इतना याम कहना जगाम दीने में आता हो तुम्हारे रोजे का सामना हो जगामदीने में वो आता हो तुम्हारे रोजे हो नही के रहने की आ रजों है वही के हमको गुलाम कहना शबाम दी से हम बे कसों का सनो ربنا تقبل من الفاتحه قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي جاء. أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معسوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله